परमेश्वर मसीह का वादा करत बाणे। जब परमेश्वर दुनिया के बनावले रहले, उ जानत रहले कि उनकरी बाद कौने दिने मसीह के भेजे के पड़ी। उ आदम औरी हवा से वादा कैले कि उ ऐसने करिहें, कि उ कहले कि हवा की एगो वंश में जन्म लिहें, जेवन की कीड़ा के सर के उचलिहें। जेवन कीड़ा हवा के धोखा दिहले रहले, उ निसंदेह शैतान रहल। परमेश्वर का अर्थ रहे कि मसीह पूरा तरह से शैतान के हरा दिहें। परमेश्वर अब्राहम से वादा कैले रहले कि उनकरी द्वारा दुनिया का सब जाति के लोग आशीष पइहें। परमेश्वर बाद में कौनो समय पर मसीह के भेजला के द्वारा ई वादा के पूरा करिहें। उ मसीह दुनिया के हर एक जाति में से लोगन के उनकरी पाप से छुड़इहें। परमेश्वर मूसा से वादा कैले रहले कि भविष्य में मूसा के समान एगो दूसर भविष्यता के भेजिहें, उ भविष्यता मसीह हुईहें। ए तरह से परमेश्वर फिर से वादा कैलन कि उ मसीह के भेजिहें। परमेश्वर राजा दाऊद से वादा कैले कि उनकर एगो पीढ़ी मसीह का होई, उ राजा हुईहें औरी परमेश्वर लोगन पर हमेशा खातिर शासन करिहें। परमेश्वर यर्मिया भविष्यता से बात कैलन औरी कहले कि एक दिन उ एगो नया वादा के बधिहें। उ नया वादा इसराइल के साथे सीने पर बाधल गईल पुरान वादा के जैसन ना होई। जब लोगन के साथ उ अपन नया वादा के बधियन, तो उ लोग ऊपर खुद के व्यक्तिगत रूप से प्रकट करिहें। हर एक लोग उनसे प्रेम रखी हन और उनकरी नियम का पालन का इच्छा रखी हैं। परमेश्वर कहले कि ई उनकर लोगन के नियम के उ लोग के हृदय पर लिख देवे के जैसन होई, जेवन उ उनकर लोग हुई हैं और परमेश्वर उ लोग के पाप के क्षमा करी हैं। उ मसीह हुई हैं जेवन उ लोगन के साथ उ नया वादा के बनहें। परमेश्वर के भविष्यता इहो भी कहले कि मसीह एगो भविष्यता हुई हैं। एगो भविष्यता उ आदमी हा जे परमेश्वर का वचन सुनेला और फिर लोगन पर परमेश्वर के संदेश के सुनावेला, जैसे भेजे का परमेश्वर वादा कैले रहलन कि उ मसीह एगो सिद्ध भविष्यता हुई हैं। यानी उ मसीह परमेश्वर के संदेश के बढ़िया तरह से सुनहें और उ लोगन के ओ संदेश के बढ़िया से सीखें। इसराइली पुरोहित लोगन के खातिर परमेश्वर की आगे बलिदान चढ़ावल के जारी रखले। ई बलिदान लोगन की पाप के खातिर उ लोग के परमेश्वर द्वारा दंड कैला के जगह पर चढ़ैले। याजक लोगन के खातिर प्रार्थना कैले, लेकिन उ मसीह सिद्ध महापुरोहित होई के जेवन परमेश्वर देवे के खातिर एगो सिद्ध बलि के रूप में खुद के चढ़ा दीहें। यानी उ कबो भी पाप ना करिहें और जब उ खुद के बलिदान होके खातिर दीहें, तो दुनिया के कौनो दूसर बलि का जरूरत ना होई। लोगन के समूह पर राजा औरी प्रधान शासन करत बाड़े और कबो कबो उ लोग गलती करत रहले। राजा दाऊद खाली इसराइली लोग पर शासन कैले, लेकिन राजा दाऊद का पीढ़ी मसीह पूरा दुनिया पर शासन करिहें और उ हमेशा खातिर शासन करिहें। एकरी अलावा उ हमेशा न्यायपूर्वक रीति से शासन करिहें और सही निर्णय लिहें। परमेश्वर का भविष्यता मसीह के बारे में बहुत बात कहें, जैसे कि मलाकी कहलन कि मसीह के अइला से पहले एगो दूसर भविष्यता अइहें। उ भविष्यता बहुत महत्वपूर्ण हुईहें। एकरी अलावा यशायाह भविष्यता लिखले कि मसीह एगो कुमारी से जन्म लिहें और मीका भविष्यता कहले कि मसीह बैतलहम नगर में जन्म लिहें। यशायाह भविष्यता कहले कि मसीह गलील के क्षेत्र में वास करिहें। जेवन लोग बहुत दुखी रहले, मसीह उ लोग के शांति दिहें।
उ कैदी लोग के भी आजाद करिहे। मसीह बीमार लोगन के औरी जे सुन ना सकत बाटे औरी जे देख ना सकत बाटे औरी जे बोल ना सकत बाटे उ लोग के भी चंगा करिहें। यशया भविष्यवक्ता इहो कहले कि लोग मसीह से नफरत करिहें औरी उनके स्वीकार करे से इनकार कर दीहें। दूसर भविष्यवक्ता कहले कि उनकर ई साथी ऐसन करे के खातिर दूसर लोग से चांदी का 30 सिक्का ली हैं। एकरी अलावा कुछ भविष्यवक्ता कहले कि लोग मसीह के मार दी हैं और ई की उनकरी कपड़ा के भी जुआ खेली हैं। भविष्यवक्ता यो बतौले कि मसीह कैसे मरी हैं। यशया भविष्यवाणी कैले कि लोग मसीह पर थूकी हैं, उनकर मजाक उड़ाई हैं और उनके पीटी हैं। उ लोग उनके छेद दी हैं और उ बड़ी पीड़ा और बड़ी यातना में मर जइहन, जबकि उ कुछ भी गलती ना कैले रहे हैं। भविष्यवक्ता इहो बतैले कि मसीह पाप ना करी हैं, उ सिद्ध रही हैं, लेकिन उ ई खातिर मुहे कि परमेश्वर उनके दूसर लोगन के भी पाप के कारण दंडित करी हैं। उनकरी मुआला से लोग परमेश्वर के साथे मेल करे में सक्षम हुई हैं। यही से परमेश्वर चाहत बाड़े कि मसीह मुए। भविष्यवक्ता लोग इहो बतैले कि परमेश्वर मसीह के मरला में से जिलई हैं। ई दर्शावत बाकी ई सब नया वादा के बंधला के परमेश्वर का योजना रहे, ताकि उ लोग के बचा सके जे लोग उनकरी विरुद्ध पाप कैले रहे। परमेश्वर भविष्यवक्ता लोग पर मसीह के बारे में बहुते बात के प्रकट कैले कि लेकिन मसीह ओ भविष्यवक्ता में से केहू के भी जीवन काल में ना आयल रहले। ई भविष्यवक्ता के दीहल 400 से अधिक बरिस के बाद सही समय पर परमेश्वर मसीह के दुनिया में भेजले। उत्पत्ति 3:15-12:1-3, व्यवस्था विवरण 18:15, दूसरा समुएल 7, यर्मिया 31, यशया 59:16, दानियल 7, मलाकी 4:5, यशया 7:14, मीका 5:2, यशया 9:1-7, 35:3-5, 61:53, भजन संहिता 22:18, 35:19, 69:4, 41:9, जकरिया 11:12-13, यशया 50:6, भजन संगीता 16:10-11 से एगो बाइबिल का खिस्सा